बिग बॉस ओटीटी खत्म हो चुका है। इसके साथ ही बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के कंट्रोवर्शियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 के आगाज की घड़ी नज़दीक आ गई है। हाल ही में टीवी रियलिटी शो की नागपुर में ग्रैंड लॉन्चिंग की गई, जिसमें शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट के नाम से पर्दा हटाया गया। लेकिन इस बीच सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या बिग बॉस ओटीटी के फाइनलिस्ट रहे बॉलीवुड स्टार राकेश बापट सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में नजर आएंगे या फिर नहीं। वहीं एक इंटरव्यू में राकेश बापट ने कहा कि हाँ, मुझे बिग बॉस 15 का ऑफर मिला है, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ। हर किसी को जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में बाहरी दुनिया की कुछ प्राथमिकताएं हैं, तो इसलिए देखते हैं कि क्या होता है। वहीं जब राकेश बापट से प्रतीक सहसपाल के सूटकेस उठाने के फैसले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से प्रतीक ने एकदम सही फैसला किया, क्योंकि उसे इस शो का हिस्सा बनने का सही मतलब ही ये था कि वो बिग बॉस 15 में जाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उसने एकदम सही फैसला किया। मुझे पता था कि वो ही बैग उठाएगा। आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी में राकेश बापट और समिता शेट्टी के कनेक्शन बने थे। गेम शो के दौरान दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियां देखने को मिली थी, जिसके बाद से ही कयास लग रहे हैं कि समिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी बिग बॉस 15 में भी देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि समिता शेट्टी सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में नजर आएंगी। ऐसे में फैंस चाहते हैं कि समिता शेट्टी के साथ ही राकेश बापट को भी बिग बॉस 15 में एंट्री दी जाए।